आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट पनीर, जिसको खाना सभी को बहुत ही पसंद है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है और इसको बनाना भी बहुत ही सिंपल है। आज मैं इसको अपने किचन में बहुत ही सिंपल तरीके से और घर में रखी हुई चीजों से बनाऊंगी, जो हर घर में सभी के घरों में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो इसके लिए देखिए, मैंने एक यहाँ पर पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। पैन हमारा गर्म हो गया है, इसमें मैं 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दूंगी। आपके घर में जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज करते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। और इसमें मैं 1 चम्मच, ये मेरे पास सॉल्टेड बटर है, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब देखिए, जो हमारा बटर था वो भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। और इसमें मैं अभी अदरक डाल दूंगी, ये मैंने थोड़ा सा अदरक कस कर रखा है वो डाल देंगे और इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। ये हल्का सा अब सौते हो गया है। अब मैं इसमें ये 1 हरी मिर्च है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी और इसको हल्का सा हम भून लेंगे। ये सब काम हमें मीडियम फ्लेम पर करना है। अब हमारा जो अदरक है और हरी मिर्च है वो रोस्ट हो गई है। अब हम इसमें ये मैंने 1 प्याज लिया, इसको मैंने इस तरीके से बड़ा बड़ा डाइस में काट लिया है। अब मैं ये इसमें डाल दूंगी और इसको बहुत ही हल्का सा हम एक बार इस तरीके से रोस्ट कर लेंगे। अब ये देखिए, मेरा प्याज भी हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें ये शिमला मिर्च डाल दूंगी, ये मैंने 1 पूरी शिमला मिर्च लिया, इसको भी मैंने अच्छे से डाइस में काट लिया है, इसको डाल देंगे और इसको भी हम हल्का सा आधे मिनट के लिए इस तरीके से रोस्ट कर लेंगे। हमें इसको बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, बहुत हल्का सा ही हमें इसे रोस्ट करना है। अब देखिए, जो हमारी शिमला मिर्च है वो भी अच्छे से भुन गई है, आधा मिनट हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने 1 बड़े साइज का टमाटर लिया, इसको मैंने डाइस में काट लिया है और इसके अंदर जो बीज थे उनको मैंने निकाल दिया है, इसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये जो हमारी रेसिपी है वो झटपट बनने वाली है और ये सभी को बहुत ही पसंद आती है। मेरे घर में तो ये सबको बहुत पसंद है और आप इसको बनाकर जरूर अपने घर पर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे और इसमें अब हम मसाले डालते हैं। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है। ये मैं 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, नमक स्वादानुसार। यहाँ पर मैंने व्हाइट नमक लिया है और इसमें हम बहुत थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालेंगे। आप नमक की क्वांटिटी को अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इन सब चीजों को मिक्स कर देंगे। अब देखिए, जो हमें इसे पकाते हुए 1 से 2 मिनट हो गया है और हमारे जो मसाले वो भी अच्छे से भुन गए हैं। इसमें अब हम बची हुई चीजें डाल देंगे। यहाँ पर अब मैं इसमें 1 चम्मच चिली सॉस डाल रही हूँ। इसको मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। यहाँ पर मैंने ये 2 चम्मच टमाटो केचप लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। ये मैंने एक बड़ा वाला चम्मच मैंने सोया सॉस डाली है। आप इसमें ये सब चीजें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच ये पीसी हुई काली मिर्च डाल दूंगी और मैं यहाँ पर 1 चम्मच इसमें ये चीनी डालूंगी। इससे जो हमारे पनीर का टेस्ट है और जो मसाले हैं वो आपस में इन्हेंस हो जाएंगे। इन सब चीजों को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम 1 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से भुन जाएं और इसके साथ सब्जी के साथ अच्छे से मर्ज हो जाएं। 1 मिनट के लिए हम इसको ढककर पका लेंगे। अब 1 मिनट हो गया है, हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारे जो मसाले हैं और जो सॉस है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैंने ये 250 ग्राम पनीर है, ये मैंने डाइस में काट लिया है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। ये कच्चा ही पनीर लिया है मैंने, इसको मैंने कोई रोस्ट वगैरह नहीं किया है। अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे।
और हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि जो हमारा पनीर है उसमें भी सारे जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब देखिए हमें इसे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और जो हमारे पनीर में जो मसाले थे वो भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। ये मैंने यहाँ पर हरा धनिया अच्छे से धोकर काट कर रखा हुआ है, ये भी डाल देंगे और एक बार इसको हम मिक्स कर देंगे और ये हमारा बहुत ही झटपट पनीर बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद करेंगे और गैस बंद करने के बाद हम इसमें आधे नींबू का रस ऐड कर देंगे जिससे हमारे पनीर की सब्जी का टेस्ट और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से बनाकर देखिएगा आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और नींबू का रस जो है आपने गैस बंद करने के बाद ही ऐड करना है, पहले ऐड नहीं करना। अब हम इसको मिक्स कर देंगे और मैं इसको आपको सर्व कर दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है और आप इसको अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, यकीन माने आपको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक लाइक बटन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आगे लाती रहूं।